हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? होप करता हूँ सारे बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो अगर आप भी मेरी तरह एक मनी मेकिंग ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो जिसकी मदद से यार आप महीने का 400 से $500 अर्न कर पाओ, तो डेफिनेटली यार ये वाली वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरी जरूर देखना। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से 15 मिनट के अंदर आप जो है एक पैसे कमाने वाला ब्लॉग को स्टार्ट कर सकते हो। ब्लॉग को बनाने से लेकर उसको मोनिटाइज करने तक का सारा प्रोसेस इस वीडियो में आपको साथ शेयर करूँगा। सारी चीज़ें बताऊँगा, किस टॉपिक पर आर्टिकल लिखने हैं, कैसे आपको क्या करना है, पूरी प्रोसेस 15 मिनट के अंदर इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि यार आपकी साइट रैंक भी होगी, आपको ट्रैफिक भी मिलेगा, आपकी साइट मोनेटाइज भी होगी। ओवरऑल पूरा प्रोसेस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, सो पूरी वीडियो जरूर देखना। एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑल पर सेलेक्ट करना। आप यहां पर देख सकते हो यार सिर्फ और सिर्फ 19% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो आप मुझे सपोर्ट करो एंड मैं इस तरीके से आपको कॉन्टेंट के रूप में सपोर्ट करता रहूँगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑल पर सेलेक्ट। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक मनी मेकिंग ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक डोमेन एंड एक होस्टिंग का होना जरूरी है। वैसे तो आप सभी लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में भी अपने एक ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हो, लेकिन यार वहां पर आपको इतने ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलेंगे। वहीं पर अगर आप सभी लोग जाते हो वर्डप्रेस की तरफ, तो यार वर्डप्रेस में आपको ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स, बहुत सारी ऐसी एडिशनल चीजें मिल जाती है जिससे कि यार आप एडसेंस का अप्रूवल भी जल्दी से जल्दी ले सकते हो। साथ ही साथ यार ऐसे ऐसे बहुत सारे एसईओ के प्लगइन्स मिल जाते हैं जिससे ओवरऑल हमारे साइट का जो एसईओ है वो काफी बेटर तरीके से हो जाता है, जिससे कि हमें गूगल रैंकिंग में हेल्प मिलती है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है यहां पर एडवांटेज है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक सक्सेसफुल ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो जिससे कि आप रियल में मनी अर्न कर पाओ, डेफिनेटली आपको वर्डप्रेस के साथ जाना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हो लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूं। तो वर्डप्रेस पर अपनी साइट बनाने के लिए आपके पास डोमेन एंड होस्टिंग का होना काफी ज्यादा जरूरी है, एंड वो डोमेन एंड होस्टिंग आप ले सकते हो bluehost.in से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। अब ब्लू होस्ट मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि सिर्फ मैं ब्लू होस्ट को सजेस्ट नहीं करता हूं, जो वर्डप्रेस टूल है wordpress.org की ऑफिशियल साइट पर जाओगे तो वर्डप्रेस खुद भी पहले नंबर पर ब्लू होस्ट को सजेस्ट कर रहा है। एंड 2 मिलियन से भी ज्यादा वेबसाइट जो है ब्लू होस्ट वेबसाइट पर होस्टेड है, तो ये एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। एंड वैसे तो यार बहुत सस्ते सस्ते में होस्टिंग मिल जाती है, डोमेन भी मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर फिर दिक्कत क्या होगी कि जब आपकी साइट रैंक करेगी एंड एक ही दम पर अगर ज़्यादा ट्रैफिक आ गया, 5 लाख 1 मिलियन का ट्रैफिक आ गया, कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइम पर यार आपकी साइट जो है क्रैश हो जाती है एंड फिर जो है पछतावा होता है। तो इसीलिए आपको जो है एक बेटर चॉइस के साथ जाना चाहिए एंड वो ब्लू होस्ट प्रोवाइड कराता है। यहाँ से अगर आप होस्टिंग लेते हो तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में डोमेन मिल जाएंगे, आपको एसईओ टूल्स भी मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे थीम्स भी मिल जाएगी, आपको फ्री में वेबसाइट बिल्डर भी मिल जाएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप जो है साइट क्रिएट कर पाओगे। गेट स्टार्ट के सेक्शन पर आप सभी लोग को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको अपनी सर्वर की लोकेशन चूज करनी है, बाय डिफॉल्ट आपको इंडिया ही यहाँ से जो है चूज करना है। 3 प्लान यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आप एक ही वेबसाइट बनाना चाहते हो तो पहले वाले प्लान के साथ जा सकते हो जिसमें आपको थीम्स भी मिलेगी, डोमेन्स भी मिलेगा एंड और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि आप मल्टीपल साइट्स बना पाओ तो उसके बाद उसके लिए आप जो है चॉइस वाला प्लान जो है चूज़ कर सकते हो जिसमें कि आपको बहुत सारी एडिशनल चीज़ें मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर बेसिक प्लान के साथ चलते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से सेलेक्ट के सेक्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये आपको पूछेगा कि आप अपने डोमेन का नेम क्या रखना चाहते हो। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर जो है टेक भावेश YT लिख देते हैं एंड देखते हैं डोमेन अवेलेबल है या फिर नहीं। डोमेन हमारा अवेलेबल है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। नीचे आओगे, बाय डिफॉल्ट यहाँ से जो है 36 मंथ सेलेक्ट होगा, तो आपको चूज़ करना है कि आप कितनी लेंथ लेना चाहते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 1 साल के लिए ही लो, ज़्यादा बड़ा प्लान मत लो। उसके बाद आपको यहाँ से जो है और भी बहुत सारी चीज़ें दिखेगी एडिशनल, तो वो अगर आप हटा दोगे तो ओवरऑल आपकी जो प्राइस है वो प्राइस और भी ज़्यादा जो है डिस्काउंटेड हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो जो लास्ट हमारी प्राइस पड़ रही है वो पड़ रही है 3400 रुपये, एंड 3400 में ये एक बेस्ट डील है क्योंकि ये जो पूरी की पूरी ओवरऑल सर्विसेज मिलेगी काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, मतलब सारी चीज़ें बेटर है एंड मैंने खुद ने भी ऑलरेडी प्लान ले रखा है। तो यहाँ से आप जैसे ही पेमेंट करोगे आपके सामने आ जाएगा ऐसा इंटरफेस। यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने खुद ने जो है पूरा का पूरा प्लान यहाँ पर परचेस किया हुआ है, वही सेम बेसिक वाला प्लान जिसके साथ मुझे जो है एक डोमेन भी मिला है। तो जैसे ही आप प्लान वगैरह कंप्लीट करोगे ना, अपने अकाउंट में आओगे, तो यहाँ पर आपको बोलेगा कि आप अपनी एक साइट क्रिएट करो।
अब भी हमारे यहाँ पर कोई भी साइट नहीं है, तो हमको कुछ नहीं करना है, क्रिएट न्यू साइट के सेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप सभी लोग को दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला वेबसाइट बिल्डर है। अगर आप वेबसाइट बिल्डर के थ्रू साइट क्रिएट करना चाहते हो तो इस टूल का यूज कर सकते हो, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर पाओगे। हम यहाँ पर जो है मैनुअल मेथड सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर है, हम सारा काम जो है हम ही जो है कस्टमाइज करेंगे। तो ये हम पूछ रहा है कि हम हमारी साइट का नाम क्या रखना चाहते हैं, तो यहाँ से हम जो है हमारी साइट का नाम रखते हैं। उसके बाद आप सभी लोग को यहाँ पर एडवांस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, वर्डप्रेस का एडमिन यूजर डालना है, जिससे कि आप अपनी साइट में लॉगिन कर पाओगे, एंड एक पासवर्ड आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो, जैसे मैंने यूजर नेम पासवर्ड डाला, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक किया, तो यहाँ से मुझे जो है डोमेन सेलेक्ट करने को पूछ रहा है। तो बाई डिफॉल्ट हमारा जो भी डोमेन होगा वो यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप तीर पर क्लिक कर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप ये प्लगइन्स यूज करना चाहते हो, तो हमें इनकी जरूरत नहीं है, हमें जो है अनटिक कर देना है, क्योंकि बेकार कोई सा भी प्लगइन हमको इंस्टॉल नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है, तो हमारी जो साइट है वो विद इन सेकंड जो है क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद ये यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि क्या हमारा पर्पज है साइट को लेकर, तो हम जो है यहाँ पर एक ब्लॉग बना रहे हैं जिस पर हम हमारा जो भी आइडियाज वगैरह है वो चीज शेयर करेंगे। तो यहाँ से हमें जो है ब्लॉग सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारी साइट पर सक्सेसफुली वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पर हमें गो बैक टू माई साइट का सेक्शन मिलता है एंड लॉग इन टू वर्डप्रेस का सेक्शन मिलता है। तो अब जो है हम हमारी साइट पर यहाँ पर लॉग इन करेंगे। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन होकर आ चुका है। यहाँ से हम विजिट साइट पर क्लिक करके हमारे साइट को देख सकते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से हमारी साइट दिख रही है। तो अभी आप देख सकते हो काफ़ी बेकार सा हमारे साइट का लुक रख रहा है, दिख रहा है। अगर मैं खोलूँ मेरी खुद की ऑफिशियल साइट, तो उसको अगर आप सभी लोग नज़र डालोगे तो आपको दिखे कि इस तरीके की एक पूरी कस्टमाइज साइट, जिस पर ऊपर मेन्यू वगैरह है, पर नोटिफिकेशन भी लगा रखा है, एड्स वगैरह भी चल रहे हैं, नीचे अलग अलग आर्टिकल्स वगैरह भी है। तो इस तरीके से कैसे हम कन्वर्ट करेंगे वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, फिर बताऊँगा कैसे आपको प्रॉफिटेबल आर्टिकल्स लिखने हैं जो जल्दी रैंक करेंगे, कैसे आपको सारी प्रोसेस करनी, वो चीज़ें हम जो है आगे से आगे जानेंगे। सबसे पहले हमें हमारे साइट का बेसिक काम करना है, एक थीम इंस्टॉल करनी है, हमें जो है मेन्यू वगैरह बनाने हैं, हमें अबाउट कॉन्टैक्ट प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस क्रिएट करना है, उसके बाद हमें जो है थीम को थोड़ा बहुत कस्टमाइज करना है, एंड फिर हम आएंगे कि कॉन्टेंट कैसे डालना है। तो चलिए ये काम मैं आपको करके बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको जाना है सेटिंग पर, एंड सेटिंग पर परमा लिंक वाला एक सेक्शन मिलेगा, इस पर आना है। एंड ये सेटिंग करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है SEO के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको प्लेन दिखेगा, तो इसकी जगह आपको पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है, एंड उसके बाद आपको जो है सेव के बटन पर क्लिक करना है। ये बेसिक काम आपको करना है। एंड अगर आप आपकी साइट का टाइटल वगैरह ये सारी चीज़ें दोबारा रीनेम करना चाहते हो, तो जनरल वाले सेक्शन पर जाकर आप अपने साइट का नेम चेंज कर सकते हो, टैगलाइन चेंज कर सकते हो, एंड और भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये काम हमने किया। अब हम जो है हमारी साइट के लिए पेजेस वगैरह क्रिएट करने हैं, क्योंकि साइट को मोनिटाइज करने के लिए अगर कोई यूज़र हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो उसके लिए पेज बनाना बहुत ज़रूरी है। तो पेज वाले सेक्शन पर आपको आना है, आपको अबाउट कॉन्टैक्ट प्राइवेसी पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर चार पेज क्रिएट करना है। अगर डिस्क्लेमर का ना भी करो तो अबाउट कॉन्टैक्ट प्राइवेसी पॉलिसी आपको तीन पेजेस जो है बनाने पड़ेंगे। अबाउट के पेज में आपको अपने बारे में लिखना है, कॉन्टैक्ट के पेज में आपको एक कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी देनी है जिससे यूज़र आपसे जो है कॉन्टैक्ट कर पाए। ऑनलाइन बहुत सारे टूल आते हैं जिसमें से ये एक टूल है, आपको अपने कंपनी का नाम डालना है, वेबसाइट का नाम डालना है, यूआरएल डालना है, आपका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जो है जनरेट हो जाएगा। तो ये बेसिक काम मैं करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा पेज सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है, तो इसको कॉपी टू टेक्स्ट पर क्लिक करके आपको अपने पेज को जो है क्रिएट कर देना। पुराने वाले पेजेस को आपको डिलीट करना है, एड न्यू के सेक्शन पर आपको क्लिक करना है, जो हमने कॉपी किया वही सेम आप यहाँ पर जो है पेस्ट वगैरह करके, यहाँ पर देख सकते हो पेज को हमने पेस्ट कर दिया, टाइटल डाल दिया, एंड पब्लिश के सेक्शन पर क्लिक करके आप उस पेज को पब्लिश कर सकते हो। इसी तरीके से अबाउट एंड कॉन्टैक्ट के दो और पेज आपको जो है क्रिएट करना है। दोबारा से आपको बैग आ जाना है एंड एड न्यू के सेक्शन पर क्लिक करके वो सारे पेजेस आपको बनाने हैं। पर आप सभी लोग देख सकते हो कि पेजेस वगैरह तो मैंने क्रिएट कर दिए, अबाउट में अबाउट के बारे में डालना है, कॉन्टैक्ट वगैरह, लेकिन ओवरऑल हमारे साइट का जो लुक है वो काफ़ी बेकार आ रहा है। एक ये वाली साइट है जिसका लुक काफ़ी बेटर है, यूज़र फ्रेंडली है, तो इसके लिए आपको एक थीम लगानी पड़ेगी। एंड थीम लगाना काफ़ी ज़्यादा जरूरत मतलब जो है ईजी है। थीम वाले सेक्शन पर आप सभी लोग को चले आना है। अब हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैं प्रीमियम थीम्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में अपलोड करता रहता हूँ। रिसेंटली ही मैंने जनरेटप्रेस का प्रीमियम प्लगइन डाला था, तो उसको ज्वाइन करके आप जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रीमियम थीम्स एंड प्लगइन्स को जो है यूज़ कर सकते हो। वीडियो में मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट वगैरह आ जाता है। तो आपको क्या करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली थीम हमारी यहाँ पर जो है सेलेक्टेड है, तो हमको यहाँ पर जो है एक नई थीम ऐड करनी है। तो नई थीम ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर ऐड न्यू थीम के सेक्शन पर क्लिक करना है,
एंड जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है जनरेट प्रेस। जैसे ही आप जनरेट लिखोगे ऑटोमेटिकली ही सबसे पहले नंबर पर वो थीम जो है आज ये हमारे यहाँ पर आ गई जनरेट प्रेस थीम। तो इस जनरेट प्रेस थीम को आपको इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है। इंस्टॉल पर क्लिक करते ही एक्टिवेट का सेक्शन पर क्लिक करना है। तो अभी जस्ट आप देखो जैसे ही एक्टिवेट होगी हमारा जो साइड का ओवरऑल लुक है वो पूरा चेंज हो जाए। थीम अप्लाई हो चुकी है। अब जो है यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ एंड जस्ट आप देखो कि हमारे साइड का लुक किस तरीके से चेंज होता है। यहाँ पर देख सकते हो हमने जो पेज बनाए वो तीनों के तीनों पेजेस आ चुके हैं। प्राइवेसी पॉलिसी पर कोई जाता है तो वो जो हमने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज डाला था वो आ चुका है। अबाउट कॉन्टैक्ट के पेज आ चुके हैं एंड हमारे साइड का नाम आ रहा है एंड रिसेंट वगैरह पूरा जो है हो चुका है। अब ये सारा बेसिक काम करने के बाद अब मेन चीज़ आती है कि आपको कॉन्टेंट किस तरीके से लिखना है, कैसे साइड को मोनिटाइज करना है, पैसे किस तरीके से अर्न करोगे फ्रॉम दिस ब्लॉग। साइट तो हमने क्रिएट कर दी लेकिन इस पर कंटेंट क्या डाले। तो जैसे मैंने जो स्टार्टिंग में नीश सेलेक्ट किया था वो सेलेक्ट किया था मूवी रिव्यू से रिलेटेड एंड अभी रिसेंटली मैंने दो वीडियोस डाली है। ये वाला जो वीडियो है इस वीडियो में मैंने प्रॉपर बताया है कि किस तरीके से आप 1 मिलियन तक का ट्रैफिक लेकर आ सकते हो। बहुत सारे ऐसे लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स मैंने जो है मूवीज से रिलेटेड यहाँ पर बताए हैं जिन पर आपको आर्टिकल लिखना है एंड पब्लिश करना है। बिना बैकलिंक बनाए भी आप जो है टॉप पोजीशन पर रैंक कर जाओगे एंड वो सारी चीज़ें मैंने जो है इस वाली वीडियो में बताई है। तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप सभी लोग चेकआउट कर सकते हो। अब आपको नीश सेलेक्ट करना है कि आपका ब्लॉग किस कैटेगरी का है। आप एक एजुकेशनल ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो, आप एक गेमिंग से रिलेटेड ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो, आप टेक्स से रिलेटेड स्टार्ट कर सकते हो, रिव्यूज से रिलेटेड स्टार्ट कर सकते हो, अफिलिएट ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे नीशेज है एंड वो नीशेज भी मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल पर शेयर किए हुए हैं। अब 15 मिनट के अंदर तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने जो है डिफरेंट डिफरेंट वीडियो बनाया हुआ है। किस पर आपको आर्टिकल लिखना है वो इस वीडियो में मैंने बताया है। अब मान लो आप जो है मूवी से रिलेटेड आपने रिसर्च करी, आपको बढ़िया कीवर्ड मिल गया, तो उसके बाद आपको पूरा का पूरा एक आर्टिकल तैयार करना है एंड उस आर्टिकल को आकर यहाँ पर आप सभी लोग को जो है पोस्ट कर देना है। ऐड न्यू के सेक्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर वो पूरा का पूरा कॉन्टेंट आप जो है डाल सकते हो। जिस तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, ये मेरा एक आर्टिकल है। इस आर्टिकल को मैं अगर ओपन करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो कि टाइटल वगैरह दिया हुआ है, आर्टिकल में एक इमेज लग रही है, यहाँ पर पूरा कंटेंट मैंने लिखा हुआ है। अगर आपको जानना है कि किस तरीके से आप ऑन पेज एसईओ प्रॉपर करते हुए मूवीज़ रिव्यू से रिलेटेड आपको कैसे आर्टिकल लिखना है जिससे वो इंडेक्स भी हो, रैंक भी करे, तो कमेंट सेक्शन बताना, उस पर मैं पूरा का पूरा वीडियो जो है बना दूंगा। अब ये तो बात हो गई, चलो आप आर्टिकल्स वगैरह लिख दोगे लेकिन इस साइड की मदद से आप पैसे किस तरीके से अर्न करोगे, तो उसके लिए आपको जो है गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी साइड पर आप विजिट करोगे तो यहाँ पर आपको गूगल के एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे एंड यही वो एडवर्टाइजमेंट है जिसकी मदद से अगर ये आपकी साइट पर आप एड्स लगाते हो तो आप जो है वहाँ से अर्निंग करना जो है स्टार्ट कर पाओगे, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब ये एड्स लगाने के लिए आपको जो है गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना पड़ेगा एंड एडसेंस का अप्रूवल किस तरीके से लेते हैं वो ये वाली वीडियो में मैंने बता रखा है। ऑलरेडी मैंने पार्ट वाइज डिवाइस कर रखा है सारी की सारी चीज़ें। अगर आपको अपनी इस नई साइट को एडसेंस के अंदर अप्रूवल कराना है तो क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी है वो चीज़ें इस वीडियो में मैंने बताई है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखते हो सही से ढंग से सारे स्टेप फॉलो करते हो तो आप एडसेंस का अप्रूवल भी जो है ईजी ले पाओगे एंड उसके बाद जैसे जैसे आप काम करोगे, बैकलिंक वगैरह बनाओगे अपनी साइट पर, आर्टिकल्स वगैरह रैंक कराओगे, ट्रैफिक आएगा एंड आप जो है अर्निंग करना स्टार्ट कर पाओगे। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि कैसे आप जो है अपनी साइट को बिल्ड कर सकते हो वर्डप्रेस पर, कैसे आपको काम करना है, कैसे आर्टिकल लिखना है, कैसे मोनेटाइज करना है, वो सारी चीज़ें बता दी। बाकी के ट्यूटोरियल के जो लिंक है सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप आगे से आगे चेकआउट कर सकते हो एंड और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यही था वीडियो, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इसी के साथ मिलता हूं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय।